नमस्कार, यूनिक किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं पुई के पकोड़े। पुई के पकोड़े बनाने के लिए हम पुई के पत्तों को अच्छी तरह से धो लेंगे। धोकर हम इसके पानी को निचोड़ लेंगे। उसके बाद इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। काट कर इसमें हम थोड़ा नमक और थोड़ा सा हल्का सोडा, चुटकी भर सोडा, फिर हम बेसन डाल के इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। और एक पैन में तेल गरम करके रिफाइंड हम इसे अच्छी तरह से तल लेंगे। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, प्याज के पकौड़े नहीं खाते हैं, उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। ये देखिए इस तरह से, ये जब दोनों साइड से पक जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। थोड़ा रेडनेस आ जाए, अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो फिर थोड़ा रेडनेस आने दीजिए, और अगर आप थोड़ा सॉफ्ट चाहते हैं तो इसे जल्दी निकालें। ये देखिए इस तरह से ये पक चुका है। इसमें आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये रेसिपी पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।